दोस्तों लॉजिक ये एक ऐसी चीज है जो हम हर जगह ढूंढते हैं, पर कभी कभार हम एनिमे में तरह तरह के लॉजिक्स को देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। और आज मैं ऐसे ही लॉजिक्स की बात करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों मैंने बहुत महीने पहले एक वीडियो बनाया था एनिमे लॉजिक पर, और उस वीडियो पर तुम लोगों ने यार आग लगा दी थी और बहुत से लोगों ने पार्ट टू की डिमांड की थी। तो ये रहा पार्ट टू ऑफ हिलेरियस एनिमे लॉजिक दैट मेक्स नो सेंस। तो बिना किसी बकवास के लेट्स रोल द इंट्रो। तो सबसे पहले जिस लॉजिक की मैं बात करना चाहता हूँ वो है फिजिक्स। देखो यार, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसके मामले में एनिमे इंडस्ट्री कभी नहीं सुधरेगा, जैसे कि इंटेंस मोमेंट्स में फैन सर्विस सीन डालना, या फिर फिजिक्स के लौड़े लगाना, या फिर दोनों ही काम एक साथ करना। भाई मारो, मुझे मारो, मारो। पर चलो अब फिजिक्स की बात कर ही रहे हैं तो बात करते हैं ग्रेविटी की, क्योंकि अपेरेंटली ग्रेविटी ये एनिमे स्कर्ट्स पर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होती है। अगर आप कुछ एनिमेस को छोड़ दो तो ज्यादातर एनिमे में ये एनिमे स्कर्ट्स ग्रेविटी को इस तरह इग्नोर करते हैं जैसे कि तुम्हारी क्रश तुम्हें करती है। पर चलो यार, स्कर्ट्स पर ग्रेविटी नहीं लगती, ओपे पर तो दुनिया भर की लगती है, तो आई गेस इस बैलेंसेस आउट। पर उसके बावजूद ओवरऑल देखा जाए तो इस लॉजिक में उतना ही सेंस है जितना मेरे मार्क्स आते थे फिजिक्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर में, यानी जीरो। सो अकॉर्डिंग टू मी दिस लॉजिक हैज नो मास। पर चलो यार, अब बात करते हैं नेक्स्ट लॉजिक की, जो कि है मेकिंग एवरी इविल बीइंग लुक क्यूट। दोस्तों अभी रिसेंटली लोग रेजिडेंट इविल के इस गेम में इस फीमेल वैम्पायर को देखकर डरने के बजाय हॉर्नी हो गए थे। पर यार हमारे एनिमे कम्युनिटी में तो ये परंपरा सालों से चली आ रही है, क्योंकि एनिमेज में डीमन, गोस्ट और एलियंस कुछ ऐसे दिखते हैं। आई डोंट नो व्हाट दिस इज बट इट्स काइंड ऑफ हॉट। मेरा मतलब एनिमे ने ऐसी ऐसी चीजों को क्यूट बना दिया है कि अगर मैं किसी को आजकल बोलता हूँ कि यार मैं एक ऐसा एनिमे देख रहा हूँ जिसमें मेन कैरेक्टर एक ड्रैगन के साथ रह रहा है, तो लोगों को लगता है मैं ये देख रहा हूँ पर मैं देख ही रहा होता हूँ। मेरा मतलब जापान ने इतनी सारी डरावनी चीजों को क्यूट और सेक्सी बना दिया है कि यार आजकल कोई भूत और वैम्पायर्स का नाम सुन के डरता नहीं, बल्कि हाथ में टिश्यू और लोशन लेके बैठ जाता है। देखो यार, मुझे नहीं पता कि ऐसे मॉन्स्टर्स डीमंस असली में हैं कि नहीं हैं, पर इतना मुझे पता है कि अगर वो होंगे तो नेजुको जितने क्यूट तो नहीं होंगे और तुम्हारा गला और हुतिया दोनों काट देंगे। सो अकॉर्डिंग टू मी दिस लॉजिक इज टू डेंजरस। खैर अब बात करते हैं नेक्स्ट लॉजिक की, जो कि है मोर येलिंग इक्वल्स टू मोर पावर। दोस्तों हर दूसरे लॉजिक की तरह ये लॉजिक भी ड्रैगन बॉल से ही पैदा हुआ है, जिसमें आपने अक्सर गोकू को इस तरह चिल्लाते हुए सुपर सैयन बनते हुए देखा होगा, और तभी से ये एक क्लीशे तरीका बन गया हीरो को पावर अप देने का, विच डज नॉट मेक सेंस। क्योंकि अगर ज्यादा चिल्लाने से इंसान पावरफुल बन जाता है तो ये न्यूज एंकर और रियलिटी शोज वाले इस वक्त वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन होते। क्योंकि यार लेट्स बी ऑनेस्ट, अगर तुम असलियत में इस तरीके से चिल्लाओगे तो तुम्हारे अंदर की शक्ति निकले ना निकले पीछे से कुछ जरूर निकल जाएगा। इसलिए फॉर द लव ऑफ गॉड्स इन एनिमे कैरेक्टर को कोई समझाओ कि इनका दुश्मन एनिमे का विलेन है, हमारे कान के पर्दे नहीं। सो अकॉर्डिंग टू मी ये ज्यादा चिल्ला के पावर लाने का लॉजिक इज। नाउ द नेक्स्ट लॉजिक आई वांट टू टॉक अबाउट इज एनिमे डायलॉग्स। दोस्तों एनिमे डायलॉग्स की अच्छी बात यह है कि ये डायलॉग्स स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, और बुरी बात यह है कि ये डायलॉग्स कुछ ज्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हाट व्हाट द फक, ओ भाई मारो, मुझे मारो। लाइक कभी कभार इन एनिमे डायलॉग से हमें काफी अच्छी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मूवमेंट मिल जाते हैं, जो कि काफी फनी भी होते हैं यार, पर फिर हमें ऐसे भी डायलॉग्स देखने को मिलते हैं, एंड दिस इज द रीजन व्हाई एनिमे डायलॉग्स डज नॉट मेक सेंस। पर यार तुम लोग मेरी बात मत मानो, क्योंकि जस्ट बिकॉज यू आर करेक्ट डजंट मीन यू आर राइट। आई मीन इन द एंड ऑफ द डे ये एनिमे डायलॉग्स कितने भी इलॉजिकल हो, इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि फन थिंग्स आर फन। इसलिए एनिमे देखते समय वी शुड यूज लॉजिकल थिंकिंग टू थिंक लॉजिकली। तो अकॉर्डिंग टू मी दिस लॉजिक इज सो इलॉजिकल दैट इट्स नॉट इवन इलॉजिकल एनीमोर एंड इट जस्ट बिकम्स लॉजिकल। अबे साले। खैर नेक्स्ट लॉजिक आई वांट टू टॉक अबाउट इज द प्रेग्नेंट लॉजिक। देखो यार, मुझे इंटरकोर्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, मतलब जो बंदा अपने हॉबी के लिए यूट्यूब पे एनिमे गर्ल्स पर वीडियो डाल रहा है उसको इंटरकोर्स के बारे में क्या ही पता होगा। पर इतना तो मुझे भी पता है कि गलतियां, मेरा मतलब बच्चे कैसे पैदा होते हैं, एंड आई कैन टेल यू दे डोंट हैपन आफ्टर सम अनप्रोटेक्टेड हैंड होल्डिंग। पर यार एनिमे का तो अपना ही अलग फंड है, एनिमे में देखने से, हक करने से, छूने से और किस करने से लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती है यार। पर छोड़ो यार, अगर ऐसा करने से असल दुनिया में भी लोग प्रेग्नेंट होने लगे तो भी मुझे लगता है कि ऑल दी ओटाकूज विल स्टिल बी सेफ।
So according to me, this logic is beyond science. खैर, next anime logic I want to talk about is don't attack the enemy while transforming. अब मुझे बताए तुम लोग क्या सोच रहे हो कि यार ये क्या फुद्दू लॉजिक है? मतलब याद है जब हम बचपन में ड्रैगन बॉल जी देखते थे और सोचते थे कि ये गोकू 10 मिनट से ट्रांसफॉर्म हो रहा है, इस बीच में इस पर कोई अटैक क्यों नहीं करता? मतलब देखो यार इसको देख के ऐसा लगता है कि इसका ध्यान कहीं भी होगा। लाइक तुम लिटरली इसको पीछे से आके 1000 years ऑफ डेथ दे सकते हो। लाइक इसको देख के ऐसा लगता है ही इज अबाउट टू टेक अ मैसिव शिट। तो जब हमारा मेन कैरेक्टर इतना ज्यादा वल्नरेबल होता है तो इस टाइम पे उस पर कोई अटैक क्यों नहीं करता इज स्टिल बियॉन्ड साइंस। आई नो ऐसा हर एनिमेज में नहीं होता, पर उसके बावजूद अकॉर्डिंग टू मी दिस लॉजिक इज क्वाइट शिटी। खैर अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट लॉजिक की, डेट इज टीचर्स आर ऑलवेज सिंगल। दोस्तों जैसे हर एक रोमांस एनिमे में फायरवर्क्स और शोनेन एनिमे में फ्लैशबैक होना जरूरी है, वैसे ही अगर तुम एक फीमेल हाई स्कूल टीचर हो तो तुम्हारा सिंगल होना भी जरूरी है, फिर भले ही तुम उस शो की बेस्ट गर्ल क्यों ना हो। मतलब यार अगर रियलिस्टिकली सोचा जाए तो रियल लाइफ में ऐसे टीचर्स कभी भी सिंगल नहीं होती, पर नहीं, एनिमे के लॉजिक से तो टीचर्स को हमेशा सिंगल ही रखेंगे ताकि टीचर स्टूडेंट लव एंगल देखने मिले और एनिमे में बार बार टीचर को सिंगल बोल के हा हा XD लॉल करने मिले। सो अकॉर्डिंग टू मी दिस लॉजिक इज टू सैड। देखो यार जब तक एनिमे रहेगा ये हिलेरियस लॉजिक्स भी रहेंगे। एक्चुअली में ये एनिमे लॉजिक बहुत ज़्यादा फनी होते हैं और एनिमे में जान डाल देते हैं, एंड आई वाज जस्ट बीइंग सार्केस्टिक इन द वीडियो, तो इस वीडियो को सीरियसली बिल्कुल मत लेना। और दोस्तों आप मुझे कमेंट्स करके बताना कि आपके हिसाब से ऐसे कौन से लॉजिक है विच डज नॉट मेक सेंस। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, वरना तुम्हारे घर असली डीमन आ जाएगा और तुम जिंदगी भर सिंगल रह जाओगे। अबे साले। Just kidding. Also दोस्तों I'm sorry, वीडियो बहुत ज़्यादा लेट आया है। I was just lazy watching Netflix, YouTube, movies and read off, मेरा मतलब Attack on Titan. Just kidding दोस्तों, जिनको नहीं पता अभी 11 महीने बाद फाइनली मुंबई में लोकल्स चालू हुई हैं फॉर everyone. So I was just bit busy visiting my relatives and friends. पर मैं अभी से ट्राई करूँगा टू बी consistent. तो with that being said, मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बी हेल्दी, स्टे सेफ एंड sayonara.